आप सबका इस्तकबाली इंट्रेक्स न्यूज पर। आज एक बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां 26 साल आयशा बेगम, जो आसिफ नगर में रहने वाला शख्स मोहम्मद खालिद से 2019 में शादी हुई थी, ससुराल वालों की दौरी के लिए हरासनी से बहुत अलील हो गई थी, जिसके बाद उनके शौहर ने आयशा बेगम को माँ बाप के घर लाकर छोड़ दिया। आयशा बेगम की तबीयत खराब होने से उसे असरा हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सर पर मारने से ब्लड कोटिंग हुई और रात के 2 बजे आयशा बेगम का इंतकाल हो गया। इनके घर वालों का कहना है कि ससुराल वालों की हरासनी से ये हादसा पेश आया, जिसमें उनके शौहर ननंद भी शामिल है, और उनके भाई ने ये मुतालिबा किया है कि उनकी बहन के साथ जो हुआ वो किसी बहन के साथ ना हो। इन जैसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हर अहम खबरों के लिए इंट्रेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरा नाम मोहम्मद रसूल खान है भाई, मेरी बहन का नाम आयशा बेगम है। मेरी बहन की जो है शादी 12 दिसंबर 2019 को हुई भाई। जो है उनको जो है 2 महीने के बाद से जो है मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर दिए ससुराल वाले, वो ज़्यादा परेशान करे मेरी भाई। मेरी बड़ी बहन जो है बीएड कर रही बड़े भाई, वो फर्स्ट ईयर में है, उनको जो है ग्रेजुएशन है, उनको 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उनको जो है पहले ही बोल के करे कि कुकिंग नहीं आती उनको, लेकिन उनके जो ननाना है जो वो ज़्यादा टॉर्चर करे, तुम्हारे को ये नहीं आता, तुम्हारे को वो नहीं आता बोल के। मेरे जो है वालिद साहब की रिसेंट डेथ हुई 5 अगस्त को जो डेथ हुई, उसके बाद जो है उनको और ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। हम लोग जो है उनको जो है 22 जुलाई को उनको ले लेके आए घर को। हालत ऐसी थी मेरे दीदी की, चलने नहीं आ रहा था, उनको ले लेके आए वहाँ से, पैर नहीं ठहर रहा था। पहले जो है चंदा नर्सिंग होम में बताए उनको, चंदा नर्सिंग होम वाले बोले कुछ भी ज़रा वो ज़्यादा सीरियस है सिचुएशन अभी बोल के बोले, तो ग्लूकोज वही चढ़ाए। उसके बाद से जो है सिचुएशन ज़्यादा ख़राब ही होने लगी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में ही बताए। ये होने का रीज़न क्या है बहन को आपके इतना सब टॉर्चर? ये देखिए पहले तो है उनको जो है वो ज़्यादा टॉर्चर करे उनके नना बोल करे ननना है उनके टॉर्चर करे, जो दूल्हे के जो बड़े बहन हैं और उनके दो बहना हैं बड़े, उन लोग वहीं रहते। हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड जो है टेक केयर नहीं करते उनका, हस्बैंड जो है बस लिट्टी में डालते रहते हैं उनको। उन्होंने जो है जब बोले दवाई दिलाओ मेरी तबीयत ख़राब हो रही बोलते, तो उन्होंने जो है नहीं दिलाए। उन्होंने जो है बस बोले कि बड़े बहन को बोलो, बड़े बहन बोले नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बोल के बोलना, फिर जो है नहीं दिए दिलाए दवाई उनको। फिर इसी वजह से जो है उनको सही टाइम पे खाना नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तो ये ज़्यादा बीमारी हो गई। मैं जो है असरा को जो है 13 तारीख को उनको एडमिट करा मैं, 13 तारीख से आज जो है 27 अगस्त को जो है मेरे बहन का इंतकाल हो गया। आज तक भी वो बंदा फटक के नहीं देखा एक बार भी। मेरे जो है तकरीबन 7.5 लाख रुपये लग गए, लेकिन एक रुपया वो बंदा नहीं दिया मेरे, ना ही कुछ सपोर्ट करा फाइनेंशियली, ना ही एक बार भी आके हॉस्पिटल में, ना ही सिग्नेचर करा। जब मैं उसको सिग्नेचर के लिए जब डॉक्टर्स बुलाए उनके लिए, तो उन्होंने ना ही सिग्नेचर के लिए आए, ना ही ऑपरेशन देखने आए, ना ही इंतकाल हुए तो उन्होंने वहाँ मौजूद थे। मैं ही पूरे सिग्नेचर आए मेरे असरा हॉस्पिटल में, और पूरे बिल आए मैं ही बना, उन्होंने जो है एक बिल नहीं बने, और जो है ना ही एक बार भी आकर वहाँ पर फटके, ना मेरे बहन को देखे बस। कुछ भी हेल्प नहीं करे आप? कुछ भी हेल्प नहीं करे मेरी, एक पैसे की हेल्प नहीं करी करे, फाइनेंशियल भी नहीं करे, मैं कुछ ना ही सपोर्ट करे मेरे। कहाँ रहते हैं आपके? मेरे भाने जो है आसिफ नगर नोबल पेट्रोल उनके पास रहते हैं। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं आगापुरा जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के पास रहता हूँ। बोले का नाम? मोहम्मद खालिद है उनका नाम, उन्होंने जो है कार के टेक्नीशियन है। बहन का नाम? बहन का नाम मेरी आयशा बेगम है। फोटो है कुछ भोले आपके? जी हाँ है मेरे पास फोटो है उनके पास। इतना टॉर्चर करे मेरे बहन को, हाँ जिनकी तरफ से जो है मेरी बहन नहीं है। हॉस्पिटल की कुछ ये वेंटिलेटर पे थे? ये वेंटिलेटर पे थे उन्होंने 13 तारीख को एडमिट करे, 14 से वेंटिलेटर पे थे, 27 तारीख तक ना मेरे भाने आए, ना उनके कोई बड़े भाई आए, कोई भी नहीं आए उनके खानदान से, एक जना नहीं आया वहाँ पर देखने के लिए। फोटो है भाई। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई बस मेरा इतना तेलंगाना गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ होना भाई, जो मेरे बहन के साथ हुआ वो किसी के बहन के साथ नहीं होना। बस मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से बस यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। MIM पार्टी की तरफ से भी मुझे अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर साहब जो
मेरे को जो हेल्प करे असरा हॉस्पिटल में बिल के आशे वो बहुत अच्छा करे अकबर साहब, तो मेरे को अच्छा बहुत ज़्यादा कंसेक्शन करा दिए मेरे को बिल में, मेरे को बहुत मदद हो गई भाई। मैं तहे दिल से अकबर उद्दीन अवेशी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट और MIM से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ होना था। बस अभी कहाँ से है, कहाँ पे रेडबर्ड इलाज है? अभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेके आए, पुलिस की निगरानी में जो है ये काम हो रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।